उसका खमीर गोया गया था, तो 39 दिन तक उसके खमीर पर मिट्टी जो गूंदी गई थी इंसान बनाने के लिए, उस पर 39 दिन दुखों की बारिश हुई थी और एक दिन खुशियों का मी बरसा था। तो इंसान की जिंदगी में खुशी और गम इस तनासुब से है। लकद खलक नल इंसान अफी कबद, इंसान की जिंदगी मुशक्कतों का मजमू है, हालात की तलखियों के से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हालात मुश्किल हो जाएं तो उनसे निकलने का रास्ता क्या है? तो सुनिए कुरान क्या कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने लग जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानु उसके लिए मखरज पैदा कर देता है, यानी उस मुसीबत से निकलने के अल्लाह रास्ते देता है। ये उस शख्स का मकसूम है जो अल्लाह से डरता है। उस पर मुश्किलात उस पर भी आती हैं, ये नहीं कि उस पर मुश्किलात नहीं आती, जिंदगी की मुश्किलात का वो भी शिकार होता है, लेकिन जो ही मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात से निकलने का अल्लाह उसे रास्ता भी अता कर देता है। और दूसरी बात, यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता, वहां से रिज्क दे देता है। बंदा तो ये कहता ना कि मुझे यहां से मिलेगा, यहां से, एक बंदे की मंसूबा बनती है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह उसको वहां से रिज्क देगा जहां उसे गुमान भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा कि ये रास्ता भी उसूल रिज्क का हो सकता है। तो ये मेरे रब का वादा है, मेरे रब के वादे सच्चे हैं। तो जब तुम अल्लाह से डरने लगोगे तो ये तख्त व ताज, ये दुनिया की इज्जतें, ये तुम्हारे कदमों में होंगी। उससे डरने का नतीजा है जो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। एक दूसरा शख्स आया, कहे साहेब बारिशें नहीं होती, फरमा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तीसरा शख्स हाजिर खिदमत हुआ और कहा कि हमारे यहाँ कहत का आलम है, फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कोई पास बैठा था, उसके उठ के जाने के बाद कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल लेकर आए और आपने एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कहा मैंने अपने तरफ से थोड़ा दिया, ये तो मेरे रब का फरमान है। कहा वो कैसे? कहा सूरह नूह पढ़ो। फकुल तस्तग़फिरू रब्बकुम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब की हुजूर इस्तिग़फ़ार किया करो। इन्नहु काना गफ्फारा, उसका नतीजा क्या है? जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, एक तो फायदा इसका ही होगा। वयुसलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें भी बरसेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, और अल्लाह तुम्हें इस्तिग़फ़ार की बरकत से माला माल भी कर देगा। व बनीन, और तुम्हें बेटे भी अता करेगा। व यजअल्लकुम जन्नातिम व यजअल्लकुम अनहारा, तुम्हें बाग भी अता करेगा और तुम्हें चलती हुई नहरें भी अता फरमाएगा। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। आपके दरियाओं का पानी सूख गया, इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला इनको पानियों से माला माल कर देगा। बारिशें होंगी, कहत सालियां दूर होंगी, बे औलादों को इस्तिग़फ़ार से औलाद नसीब होगी और मईशत की बे